Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. Today we'll take class 12, chapter 2, Reproduction in Flowering Plants. This is a very, very important topic, but most of these portions we have already covered in our previous classes, 9th class, 10th class, and 11th class also. So it is quite easy, but a continuation of the previous which we have studied. Let's start. Flower is a modified specialized structure which serves as the organ of sexual reproduction in angiosperms. देखो अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें तो हम लोगों को मालूम होता है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दो तरह के होते हैं ना, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं. तो जो एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए तो फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है. क्यों? क्योंकि फ्लावर ही एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स में. ठीक है. द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग एंड अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज फ्लोरिकल्चर. अगर हम प्रोपेगेट, जैसे गेंदे के फूल की हम खेती करते हैं लाइक, तो दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, क्योंकि हम खेती कर रहे हैं फूलों की, तो फ्लोरिकल्चर. राइट. सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सेंटर इज सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, एम्ब्रियम एंड गाइनेशियम. देखो मैंने इसमें सेपल्स पेटल्स ड्रॉ नहीं करे हैं. पेटल्स तो यहाँ पर होती हैं, कलर्ड होती हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सेपल्स होती हैं. तो ये पेटल्स होती हैं जो कि रंग बिरंगी होती हैं. इट इज़ फॉर द अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं का है. और सेपल्स ये होती हैं जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एट द बेस ऑफ द पेटल्स होते हैं. राइट. ये बेसिक चीज़ है, सिक्स क्लास के बच्चे को भी इतना पता होता है, बट विल स्टार्ट. तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये सब एक बेसिक दे देना चाहती हूँ. अच्छा, फिर ये है जो सेपल्स होती हैं इनको कैलेक्स कहा जाता है. ये एक्चुअली जब हम फ्लोरल नेम्स पढ़ेंगे ना, जैसे हम लोग वो करते हैं फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूलाज करते, फॉर्मूले करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. अब यहाँ पर देखो, सेपल्स जो हैं उनको कैलेक्स कहा जाता है, और जो पेटल्स हैं उनको करोला कहा जाता है, और स्टेमन्स को एंड्रेशियम कहा जाता है, और फीमेल जो पार्ट है उसको गाइनेशियम कहा जाता है. ठीक है. स्टेमन्स एंड कार्पल्स रिप्रेजेंट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो स्टेमन्स हैं दे आर द मेल, ये मेल का साइन है. ठीक है. और कार्पल्स, कार्पल्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. फ्लावर्स आर बॉर्न इन क्लस्टर्स कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस. इसकी जो एक्सिस होती है फ्लोरल एक्सिस, उसी के ऊपर पूरा फ्लावर बेस होता है. एंड एक्सिस बेयरिंग अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस. जब बहुत सारे फ्लावर्स सिंगल स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसके ऊपर हो, तो उसको इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है. इनफ्लोरेसेंस मीन्स ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बेयरिंग द सेम स्टॉक. ठीक है. उसके बाद अब आ जाता है, हम लोगों ने यहाँ पर इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करना है, तो आज हम यहाँ पे सिर्फ लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन्स. ठीक है. इसमें कौन कौन से डिविजन्स होती हैं, क्या क्या होता है, कौन सा टिश्यू होता है जो डिवाइड करके क्या बनाता है, कैसे पोलन ट्यूब जाती है, दिस वी विल बी कवरिंग इन दिस क्लास. स्टेमन जो है, दिस इज अ टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्लेंडर स्टॉक और द फिलामेंट. देखो अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट. ठीक है. एंथर के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है, और जो फिलामेंट होता है वो स्टॉक होता है जो कि उसको फ्लावर के साथ अटैच रखता है. ठीक. अच्छा, अ टिपिकल एंथर इज डाइथीकस. जो एक एंथर होता है वो डाइथीकस होता है. ठीक. डाइथीकस मीन्स दो पार्ट्स है उसके, दो लोब, बाइलोब्ड होता है. ठीक है. ईच लोब हैज टू चैम्बर्स और थीका. उसके दो चैम्बर्स होते हैं जिसको थीका भी कहा जाता है. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. और जो नीचे वाला पार्ट है इसका, वो थैलेमस पे या द बेस ऑफ द फ्लावर के साथ अटैच होता है. दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब हम फ्लोरल फॉर्मूला करेंगे तो हम लोगों को इन्हीं सभी टर्मिनोलॉजीज की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, पता होना जरूरी है. ठीक है. तो ये है द दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस, जिसमें कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द बेस ऑफ द फ्लावर.
इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें, द एंथर इज अ टेट्रागनल स्ट्रक्चर। एंथर जो होता है टेट्रागनल है, मतलब एंथर के दो थीकस हो गए और उसके अंदर चार ये जो है कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये मैं बता रही हूँ आपको कि इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन इफ यू लुक टुवर्ड्स द एंथर देन इट्स अ टेट्रागनल स्ट्रक्चर, मतलब टेट्राड फोर लोब्ड, चार लोब वाला है, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर क्या होते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, राइट, टू इन ईच लोब। इसका मतलब चार हो गए ना, ये जैसे दो हैं तो दो में, ये दो हैं तो दो में एक ये इधर ऊपर आ गया, एक ये आ गया, तो टोटल कितने हो गए, चार। एक एंथर में चार टेट्राड्स हो गए। Thus a dithecous anther is tetrasporigineate, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये टेट्राड है इसके अंदर कितने हैं, टेट्रा, कितने स्पोरेंजिया हैं, चार हैं, तो दैट विल बी नोन एज टेट्रास्पोरिजिनिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। लेटर द टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब बिकम्स फ्यूज्ड टू फॉर्म द पोलन सैक। बाद में क्या होता है कि दो जो हैं वो मिलकर एक पोलन सैक बना देते हैं, राइट। अब हम डिटेल में करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये सर्कुलर होता है आउटलाइन में, एंड इज सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स। इसके यहाँ पे जो होती हैं कितनी लेयर्स होती हैं, चार। पहली होती है द एपिडर्मिस, फर्स्ट को एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। फिर होती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और बाकी जो बीच वाली लेयर्स होती हैं उनको मिडिल लेयर्स कहते हैं, राइट। एंड द टिपिडम, अंदर का जो पार्ट है सारा ये टिपिडम। द आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जो बाहर की लेयर्स होती हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, और उस इसमें से पोलन को, ग्रेन्स को धक्का देना, निकालना, ठीक है। और टिपिडल सेल्स पोजेस द डिफ्यूज साइटोप्लाज्म एंड बिकम मल्टी न्यूक्लिएट और अंडोपो एंडोप्लॉयडी। और जो ये टिपिडल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मेन क्या काम होता है, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, और वो डिविजन कर करके मल्टी न्यूक्लिएट बन जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं उनके, मल्टी न्यूक्लियर बन जाते हैं, जिस कंडीशन को एंडोप्लॉयडी भी कहते हैं, ठीक है। These cells provide nutrition to the developing pollen grains. और इनका cells का, इनका क्या काम होता है, developing embryo को nutrition देना। जैसे हमारी body में होता है कि जो placenta होता है वो nutrition देता है, उसी तरह से यहाँ पे भी इनका main काम क्या होता है, So these cells provide nutrition to the developing pollen grains. ये वाला जो tissue है ये क्या करता है, pollen grains जो develop हो रहे होते हैं उनको nutrition देता है। Tapetum secretes both enzymes and hormones. जो टेपिटम का काम होता है, ये जो टेपिटम होता है इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं, एंड दे आर स्पेशल प्रोटीन्स फॉर पॉलन ग्रेन्स टू रिकॉग्नाइज कंपैटिबिलिटी। मतलब यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें स्पोरोजेनस, ये सारा का सारा जो है ये स्पोरोजेनस टिश्यू आ जाता है। अभी मैं बताती हूँ, व्हेन एंथर इज यंग द माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स फॉर्मिंग स्पोरोजेनस टिश्यू। ये वाला जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये सारा का सारा कौन सा वाला आता है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, टेपिटम की लेयर है, और ये तीन लेयर्स और हैं, ठीक है। ओनली व्हेन एंथर गेट्स मैच्योर इट डिफरेंशिएट्स टू लेयर्स लाइक एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। मतलब ये तब की बात है जब एंथर यंग होता है, एंथर जब यंग होता है तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाता है तब जाके ये लेयर्स बाद में आती हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब ये है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और वो भी कहाँ से बनेगी, पॉलन मदर सेल से, थ्रू मियोसिस, ठीक है, मतलब पीएमसी से, पॉलन मदर सेल से जब मियोसिस होता है,
और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोसिस कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर्स का बनना, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। अच्छा, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर जो सेल है स्पोरोजेनस टिश्यू का उसपे सब में कैपेबिलिटी होती है क्या बनाने की, एक टेट्राड बनाने की, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की, ठीक है। एज द एंथर्स मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब ये एंथर्स मेच्योर होते हैं और डिहाइड्रेट मतलब इसका सारा पानी सूख जाता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तभी तो इनका पॉलिनेशन ईजी होगा ना, तभी तो दे विल बी एबल टू बूम, ठीक है। तो एंथर्स मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे कि एंथर्स मेच्योर होते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड दे डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, और वो पॉलन ग्रेन्स में बदल जाते हैं, दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये कब होता है, जब एंथर मतलब फट जाता है, फिर फट के पॉलन ग्रेन्स एकदम उसमें से झड़ जाते हैं, राइट। अरेंजमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन अ टेट्राड इज अफेक्टेड बाय पॉलन ग्रेन साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग मियोसिस, और जो अरेंजमेंट है पॉलन ग्रेन्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मियोसिस कैसे हुआ है, साइटोकाइनेसिस कैसे हुआ है। माइक्रोस्पोर्स ऑफ द पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कौन सा होता है, माइक्रोस्पोर, जिसको कि पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है। जो ये फट के निकले हैं बेसिकली जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो क्या है, फ्यूचर पॉलन ग्रेन है, राइट। दे आर यूनिसेल्युलर एंड हैप्लॉइड, क्योंकि ये मेल गैमेट है तो ये यूनिसेल्युलर भी है और ये हैप्लॉइड भी है, ठीक है। जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, उनका डायमीटर 25 से लेकर 50 माइक्रोन्स तक होता है, माइक्रोमीटर्स तक होता है। द वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म, जो वॉल होती है पॉलन ग्रेन की वो स्पोरोडर्म कहलाती है, एंड विच इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, इसकी बाहर की एक लेयर होती है एग्जाइन और अंदर की लेयर जो होती है उसको एंटाइन कहते हैं, बाहर की लेयर को एग्जाइन और अंदर की लेयर को इन टाइम कहते हैं, ठीक है। दी एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो एग्जाइन बनती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनती है, विच इज बायोलॉजिकली द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, काफी हार्ड सिचुएशंस में भी ये अपने आप को रखने का दम रखती है, ठीक है। एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, मैंने कहा ना तो काफी हाई टेम्परेचर भी बेयर कर पाती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज, जो भी मतलब जो मौसम की मार है, जो एसिड्स का प्रॉब्लम है, मतलब हर तरह का जो तकलीफ है वो सहन करने की इसमें ताकत होती है। दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाई एंजाइम्स, और एंजाइम्स का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, इसी रीजन की वजह से जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं उनको हम फॉसिल्स के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, फॉसिल्स के फॉर्म में भी वो कंजर्व हो सकते हैं। आपको पता है कि जो फॉसिल्स वो होते हैं, दे आर द रिमेन्स ना ऑफ द डेड सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से हमें एविडेंस मिलता है कि ये कब थे, कब प्रेजेंट थे, कौन से एरा में प्रेजेंट थे, क्या स्ट्रक्चर्स थे, उनके बारे में जितनी भी नॉलेज हमें चाहिए होती है तो फॉसिल्स से मिलती है। तो पॉलन ग्रेन्स जो एक ऐसी चीज़ है जो कि फॉसिल्स के रूप में काफ़ी सफल रहे हैं, ठीक है। एट वन और मोर प्लेसेस एग्जाइन इज वेरी थिन और एबसेंट, कुछ जगह पे एग्जाइन जो होता है वो बड़ा थिन होता है और एब्सेंट भी होता है, और उन रिजन वही ऐसे जो रीजन्स हैं उनको हम जर्म पोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वही जगह है जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगी और वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जाएगी, ठीक है। दीज रीजन्स आर नोन एज जर्म पोर्स, इन्हीं रीजन्स को क्या कहा जाता है, जर्म पोर्स। इन रीजन्स को जर्म पोर्स कहा जाता है, एंड थ्रू विच द पॉलन ट्यूब इमर्जेस, जिससे कि पॉलन ट्यूब निकलती है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, राइट। एंटाइन इज अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। एंटाइन जो होती है वो थोड़ी कंपैरेटिवली थिन होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, उसके बीच में जगह भी नहीं होती है, एंड वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस की और पेक्टिन की। एट द टाइम ऑफ द पॉलन जर्मिनेशन एंटाइन कम्स आउट ऑफ द जर्म पोर्स, ये जर्म पोर्स से निकलती है, ये जर्म पोर्स से निकलती है और पॉलन ट्यूब के फॉर्म में आ जाती है। At the time of the pollen germination, and time comes out of the germ pores in the form of the pollen tube. ये pollen tube के form में निकल जाती है। In insect pollinated flowers, exine of the pollen grain is covered by yellow thick and sticky substance called pollen kit. जो insect pollinated flowers होते हैं, देखो जो flowers होते हैं ना वो अलग अलग pollinated होते हैं। Some of them are pollinated by insects,
ठीक है, सम आर बाय विंड, सम बाय बर्ड्स, तो अलग अलग उनका मीडियम होता है। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसको उस एक कवर्ड होता है येलो थिक एंड स्टिकी सब्सटेंसेस, जिसको कि क्या कहा जाता है, पॉलन किट। इट इनेबल्स अ पॉलन ग्रेन टू स्टिक टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, जिससे वो इजीली कीड़े के साथ चिपक जाते हैं और हेल्प इन जर्मिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन के दो सेल्स बन जाते हैं, जिनको कि वेजिटेटिव सेल कहते हैं और जनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है कंपैरेटिवली एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व्स एंड लार्ज इररेगुलर न्यूक्लियस। इसके पास फूड रिजर्व भी काफी ज्यादा होते हैं और इसका न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होता है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, ये देखो, ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी थोड़ा छोटा होता है और इररेगुलर शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप होता है ऑलमोस्ट, और इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, वो तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, इन मोर देन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज। ज़्यादातर के एंजियोस्पर्म्स में ये जो दो सेल की स्टेज आती है ना, उसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या करने लग जाते हैं, शेड होने शुरू हो जाते हैं, डेहिसेंस हो जाता है, निकलने शुरू हो जाते हैं, पॉलिनेशन के लिए जाने शुरू हो जाते हैं। बट कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिससे पॉलन ग्रेन्स जो है वो थ्री सेल स्टेज में जाके शेड होते हैं। ठीक है, वेयर द जेनरेटिव सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म द टू मेल गैमीट्स, जहाँ पे ये जो जेनरेटिव सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, फिर जाके वो उनकी डिवीजन होने के बाद ही वो शेड होते हैं। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन पॉलन ग्रेन्स हैव टू रीच ऑन द स्टिग्मा, उनको स्टिग्मा पर आना होता है पॉलन ग्रेन्स को, तभी जाके तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएंगे। अच्छा, और वो भी उसकी वायबिलिटी खत्म होने से पहले, मतलब जैसे कि कितने टाइम तक जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी उनका टाइम निश्चित होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी स्पर्म्स एक टाइम तक ही वो रहते हैं, वायबल रहते हैं, उसके बाद वो दे आर सेल्फ डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाते हैं वो। इसी तरह से जो ये है पॉलन ग्रेन्स है उनकी भी एक वायबिलिटी पीरियड होता है। द पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन्स रिमेन्स वायबल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और ये मौसम की कंडीशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, डिपेंडेंट ही इनफैक्ट उस पर होता है। इन सम सीरियल्स सच एज द राइस एंड वीट पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। जो सीरियल्स हैं जैसे कि राइस और वीट, उसमें उसकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स तक ही होती है। वेयर इज पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। कुछ ऐसे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, कुछ में जैसे रोजेसी में रोज वाले हो गए, लेग्यूमिनेसी जो पीज और दालों वाले प्लांट्स हो गए, उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मंथ्स तक जो है वो वायबल होते हैं। ठीक है, मतलब काफी लंबे टाइम तक जर्मिनेशन हो सकती है। एंड पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, उनको लिक्विड नाइट्रोजन में काफी टाइम तक स्टोर किया जाता है, जिसको कि -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, और तब वहाँ पे जाके वो आराम से स्टोर हो सकते हैं। तो इसलिए पॉलन बैंक भी अवेलेबल होता है, जो हमारी क्रॉप्स चल रही है, जो कल्टीवेशन चलती है वो इसी ऊपर चलती है। ये थोड़ा ना कि एकदम से पॉलन आया और वो हो गया, तो दे आर स्टोर्ड एंड दे कैन बी रीयूज लेटर, और उसके हमारी जो खेती है, हमारी जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स हैं, ये पूरा साल जब भी हम चाहें तो पॉलन बैंक में से निकाल के हम उनको जर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी उनकी यूजेज मतलब ज़रूरत होती है, तो हम लोग पॉलन बैंक से निकाल सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल से ब्लड बैंक्स होते हैं, तो जब भी यूज़ करना होता है, कोई पेशेंट आता है तो हम लोग उनको यूज़ करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे पॉलन बैंक्स होते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है क्रॉप ब्रीडिंग की तो हम उसको निकाल सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा। यू नो दैट कि सम पीपल आर एलर्जिक टू पॉलन ग्रेन्स, इवन आई एम वन ऑफ दोज। तो ऐसा होता है कि जब ये मौसम चेंज होता है और बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन चल रही होती है, तो हमें स्नीजिंग हो जाती है, हमें इरिटेशन हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये एलर्जीज पॉलन ग्रेन्स की वजह से हो सकती है। ब्रोंकाइटिस भी होता है। अ वीड नोन एज पार्थेनियम कॉजेज पॉलन एलर्जी। एक्चुअली क्या होता है, जो उसके अंदर वीड होता है उसका नाम होता है पार्थेनियम। क्या नाम होता है? पार्थेनियम। ये कॉज करता है पॉलन एलर्जी। इसके जो सीड्स थे वो इंडिया में आए थे यूएसए से एक्चुअली। और पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड कंजम्पशन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। एथलीट्स भी बहुत यूज़ करते हैं पॉलन उसके इंक्रीज करने के लिए अपनी ताकत को। एंड इन रीसेंट ईयर्स अ नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ट्रेंड है कि वहाँ के पॉलन जो हैं खाए जाते हैं,
जो एथलीट्स हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी दिखाने के लिए उसका यूज किया जाता है. ठीक है, तो दैट वाज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन चैप्टर नंबर 2. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. आई होप यू लाइक द क्लास एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट माई न्यू नोटिफिकेशन. थैंक यू.